अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे सो so, जनाब एक बहुत अरसे के बाद जो है वो इस तरह मेरा आपके साथ वीडियो के थ्रू एक इंट्रैक्शन हो रहा मैं बहुत एक कह सकते हैं कि मैं तवी अरसे से गायब थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए मुझे लोगों ने पर्सनल पूछा कि आप ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रही और बीच में जो है वो आपने अपने, अपने अपना एक मिनी व्लॉग सीरीज़ का आगाज़ किया था आपने उसको भी कंटिन्यू नहीं किया तो भाई बात दरअसल ये है कि हर वक्त बंदे का एक जैसा नहीं रहता सो so, आजकल कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मसरूफिया है जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा गैप लिया हुआ कुछ देर की है खामोशी फिर शोर आएगा आज तुम्हारा वक्त है कल हमारा दौर आएगा तो थोड़ा सा शायराना मूड में जो है वो वीडियो बनाई जा रही है इस वक्त और खुश हूं बहुत उसकी वजह यह है कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी अः मैंने जो है वो ऐसे ही रैंडमली जो है वो स्टोर से सईद गनी के स्टोर से आ, ऐसे ही चलते चलते बस एक मास्क ख़रीदा था देख के उसके रिव्यूज़ वगैरह तो बड़ा कोई अफोर्डेबल ब्रांड है और ब्रांड है आराम से मतलब बंदा जो है वो उसको और प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में सो मैंने वो लिया बट लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था शायद कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए बट uh, मैंने एक स्टोरी लगाई और मैंने कहा देखते हैं कि मैंने अपने पैसे वेस्ट वेस्ट किए हैं या फिर ये प्रोडक्ट मेरे काम आती है सो so, बस ये चीज थी मैंने उधर कहा था कि मैं बताऊंगी और एक जो है वो मुकम्मल एक रिव्यू दूंगी सो so, ये है वो प्रोडक्ट जिसका मैंने स्टेटस लगाया था और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैंने रमज़ान से पहले आई थिंक या रमजान के स्टार्ट में आ, लगाई थी स्टोरी तो बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ सिर्फ लड़की लड़कियों के लिए नहीं है जाहिर सी बात है मर्द हजरात भी बाहर निकलते हैं और उनकी स्किन भी भाई खराब होती है तो ये सवा, ये वाला सीन है तो ये, सो ये मैंने जो है वो सईद गनी का जो है वो ग्रीन क्ले मास्क जो है वो बाय किया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी जैसा आया मैंने पैसे जो है वो वेस्ट किए सिर्फ इसलिए कि यार मुल्तानी मिट्टी तो मैं घर में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकती थी इसको सो so, मैंने इसको जो है वो यूज़ किया और पूरा मतलब रमज़ान अच्छा मौसम अच्छा था लास्ट ईयर के एतबार से इतनी गर्मी नहीं थी जितनी लास्ट ईयर रमज़ान में थी बट uh, फिर भी स्किन जो है वो फर्स्ट है आपने स्किन का ख्याल सबसे पहले रखना है सो so, ये मैंने लिया ग्रीन क्ले मास्क सईद गनी से और इसके जो है वो बेनिफिट्स इसके ऊपर भी लिखे हुए और इसके इंग्रेडिएंट्स में जो है वो आ, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कोई साइड इफेक्ट हो मतलब मुझे आ, मुझे सूट किया और स्किन पे लगा के ना एक आ, वो कहते हैं ना एक फ्रेश क्या क्या कहेंगे तरोताजगी आ जाना और एक जो है वो आपको लगे कि हाँ यार स्किन आपकी थोड़ा फ्रेश फील कर रही है यार स्किन भी सांस लेती है मैं कह सकती हूँ ये बात तो बहुत एक uh, कैस, कैसे समझाओ बहुत क्यूट सा इफेक्ट होता है मतलब बहुत अच्छा और इसके ऊपर खुद भी लिखा हुआ कि आप जो है वो इसको स्प्रेड थिन लेयर ऑफ क्ले टू द डिजायर्ड एरिया वेट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स एंड लेट इट ड्राई जेंटली रिंस इट ऑफ विद सॉफ्ट क्लॉथ्स अच्छा यार मेरा चश्मा नहीं लगा हुआ इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था बट uh, ये है ठीक है और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये है कि वो आपकी स्किन को जो है वो ग्लो uh, करता है और क्लियर और रिफ्रेश्ड स्किन दिखाता है क्लिनजिंग के लिए बहुत इस्तेमाल मतलब अच्छा और कारामंद है और इसके अलावा पोर्स को जो है वो टाइट करता है और कॉम्प्लेक्शन ठीक है अच्छा सबसे बढ़ के जो uh, हमारे चेहरे पे पैचेस पड़ जाते हैं धूप की वजह से पड़े या किसी भी वजह से तो ये उसको भी कंट्रोल में रखता है आप इसको रोज यूज कर सकते हैं और चाहे तो दो दो दिन के गैप से भी यूज कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन इतनी ज्यादा रफ नहीं है तो आप इसको वंस एन अ वीक भी यूज कर सकते हैं इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज करते हैं या आपकी स्किन इसको किस तरह से यूज करवाना चाहती है सो so, मैंने इसको जो है वो यूज किया वंस एन अ वीक और मुझे ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला बहुत ज़बरदस्त सो मैंने जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे कहा था कि मैं रिव्यू दूंगी सो ये है मेरा आज का रिव्यू और आप लोग खरीद सकते हैं मेरे पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए बड़ा अफोर्डेबल है और यार मैंने ना असल में दो तीन चीज़ें साथ ली थी इसलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि ये मैंने कितने का लिया था बट आप इसको स्टोर से भी बाय कर सकते हो आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट से भी ले सकते हो सो येस ये थी आज की वीडियो आई होप के इस मौके की मुनासबत से और ईद आने की मुनासबत से आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी सो so गाइज अपने चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट कॉमेंट करना शेयर करना अल्लाह हाफिज